भाई और बहनों, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और वामपंथियों ने मिलकर कैसे देश के करोड़ों गरीबों को धोखा दिया और कैसे भाजपा उन्हीं गरीबों की सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। मुझे कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथियों, देश के 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली, पानी, घर, गैस, टीकाकरण जैसी अनेक चुनौतियां हैं। इन्हीं जिलों में गरीब माताओं की मृत्यु सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा बच्चे बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन 100 में से झारखंड के कितने जिले थे शायद आपको पता भी नहीं होगा, 20 जिले। झारखंड 20 जिलों के लोगों को, गरीबों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कांग्रेस और उसके साथियों ने अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया था। यानी एक प्रकार से पूरे झारखंड को उन्होंने विकास के लिए, तरसने के लिए तड़पता हुआ छोड़ दिया था। एक तो पिछड़ा पिछड़ा कहकर इन्होंने यहां के लोगों का, यहां काम करने वाले अफसरों कर्मचारियों का मनोबल तोड़ दिया, मानसिक रूप से उनको खत्म कर दिया। इन जिलों में चल रही योजनाओं पर कभी सही तरीके से ध्यान ही नहीं दिया गया। झारखंड के गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। ऊपर से सरकार की तरफ से जो पैसा आता था उसमें भी ये लोग मिल बांटकर अपने खेल कर लेते थे। जो राज्य प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से इतना संपन्न हो, जिसमें इतनी क्षमता हो, उसे इन राजनीतिक दलों ने कभी ऊपर नहीं उठने दिया। यही इनकी राजनीति रही है। लेकिन आपके इस सेवक की, भाजपा की सोच अलग है। हम झारखंड के इन 20 जिलों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने इन जिलों को पिछड़ा नहीं कहा, हमने इसे आकांक्षी जिला कहा। आकांक्षी ला करके उनका पहले तो मनोबल ठीक किया। आकांक्षी का सीधा सीधा मतलब होता है जहां के लोगों में विकास की ललक हो, जहां के लोग चाहते हो कि वहां जल्द से जल्द मुसीबतों से मुक्ति मिले, विकास का रास्ता तय हो। साथियों, हमने इन जिलों में बेहतरीन अफसर तैनात किए हैं। अब आपकी छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन क्षेत्रों में मुफ्त गैस कनेक्शन से लेकर 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा तक, मुफ्त बिजली कनेक्शन से लेकर घर घर सफेद रोशनी वाले एलईडी बल्ब लगाने तक, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण से लेकर शौचालय बनाने तक हर स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। झारखंड की भाजपा की सरकार की मेहनत के कारण हजारीबाग, चतरा और साहिबगंज देश के 112 आकांक्षी जिलों में सबसे टॉप कर रहे हैं, सबसे टॉप कर रहे हैं। मैं यहां के मुलाजिमों को बधाई देता हूं जो इस सपने को पूरा करने के लिए काम में लगे हैं। झारखंड के बाकी जिलों में भी सराहनीय सुधार आ रहा है। ये होता है जब आप नेक नियत के साथ सामान्य जन की आकांक्षाओं के लिए काम करते हैं, उनके सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब आप सत्ता के लिए झूठ बोलते हैं, छल गढ़ते हैं, सिर्फ आलोचनाएं करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तब वही स्थिति होती है जो 2014 से पहले थी।